लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से पत्ते क्लियर कर दिए हो गए हैं। राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा की तरफ से महिमा कुमारी मेवाड़ को प्रत्याशी बनाया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। इस चुनाव में एक तरह से सुदर्शन सिंह रावत और महिमा कुमारी मेवाड़ के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। पिछले अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो 2009 में यह राजसमंद लोकसभा सीट सृजित हुई थी। उससे पहले राजसमंद उदयपुर लोकसभा सीट के अंदर आता था। 2009 में जब चुनाव हुआ, पहली बार चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के गोपाल सिंह इडवा वो यहां से विजेता रहे, वो सांसद बने। और उसके बाद दूसरा जो चुनाव हुआ 2014 में हुआ, जिसमें गोपाल सिंह चुनाव हार गए थे और फिर यहां से पूर्व दिवंगत हरिओम सिंह राठौड़ भाजपा से वो जीते थे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से दिया कुमारी को टिकट दिया गया, जो भाजपा से जीती। और उसके बाद अब ये लोकसभा सीट का ये चौथा चुनाव है राजसमंद सीट का। और चौथे चुनाव के अंदर सुदर्शन सिंह रावत और उदयपुर पूर्व राज परिवार की सदस्य महिमा कुमारी के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। महिमा कुमारी मुख्य रूप से आपको बता दें कि नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी हैं। इस तरह ये एक अब रोचक मुकाबला होने वाला है। राजसमंद में तस्वीर क्लियर हो गई है कि किसके बीच में ये चुनाव होने वाला है। उसको लेकर जो लंबे समय से संशय बना हुआ था, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तरफ से अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो जो दावेदार थे उस दावेदारों की लंबी लिस्ट थी, जिसमें दोनों ही तरफ से एक एक दर्जन से ज्यादा दावेदार कतार में थे। और इसको लेकर चिंतन मनन मंथन लगातार चल रहा था। और इन दौरान अब स्थिति स्पष्ट हुई है। होली के दिवस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी महिमा कुमारी को राजसमंद में लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किया है। और उसके दूसरे दिन धुलंडी के दिन दोपहर बाद कांग्रेस द्वारा भी सूची जारी की गई है, जिसमें सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। सुदर्शन सिंह रावत के अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो भीम से कई बार विधायक भी चुने गए, गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा सुदर्शन सिंह रावत खुद पहले भीम से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस में काफी अच्छी उनकी पकड़ है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो महिमा कुमारी, जो कि राजनीति में नया चेहरा है, लेकिन पूर्व राज परिवार की सदस्य होने के चलते उनकी पहचान अच्छी है और उसी के चलते पार्टी भुनाना चाह रही है और उसी के चलते वो मैदान में भी उतरे हैं। और इसी के परिणाम भी पिछले विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा विधानसभा सीट पर देखने को मिले, जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ एक नया चेहरा थे, लेकिन चूंकि महाराणा प्रताप के वंशज से जुड़े सदस्य होने की वजह से और इसी की उन्होंने भुनाया भी और इसका फायदा भी भाजपा को मिला। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अब क्या कुछ रहने वाला है, क्या राजनीतिक अनुभव काम आएगा या फिर पूर्व राज परिवार की सदस्य होने का फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जनता फैसला देती है, जनता किसके पक्ष में वोट देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कि आखिर उन प्रत्याशी कौन होगा। आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक के बीच क्या कुछ अपडेट आता है वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।